दोस्तों, यूँ तो मैंने आपसे दिल्ली के कई भूतिया स्थानों और उनसे जुड़ी कहानियों का जिक्र किया है। उसी श्रृंखला में आज मैं जो जानकारी आपके लिए ढूंढ कर लाई हूँ वो है दिल्ली की लोथियम सेमेट्री के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूँ तो यह जगह कई लोगों को फिल्मी लगती है। कई लोगों का मानना है कि यहाँ पर उन्होंने एक ऐसे भूत को देखा है जो अपना ही कटा सिर अपने हाथ में लेकर घूमता है। दिल्ली के इस खौफनाक भूतिया स्थान पर आने वाले राहगीरों को अक्सर यहाँ भूतिया हंसी और रोने चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वैसे ये एक कब्रिस्तान है और ऐसे में आपको भी मालूम है कि ऐसी जगहों से भूतों की कहानियों का जन्म होता है, या यूँ कहें ऐसी भूतिया बातों को ज़्यादा हवा दी जाती है। तो चलिए आज जानते हैं कि इस लोथियम सेमेट्री का सच क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है। दोस्तों, 1808 में अंग्रेजों द्वारा ईसाई कब्रिस्तान के रूप में यह बनाया गया था। इस कब्रिस्तान का उपयोग अंग्रेजों द्वारा 1808 और 1867 के बीच केवल अंग्रेजों या भारतीय ईसाइयों के शवों को दफनाने के लिए किया जाता था। जब 1857 का भारतीय विद्रोह, या यूँ कहें स्वतंत्रता की पहली लड़ाई हुई, तो इसके परिणाम स्वरूप इतने सारे ब्रिटिश सैनिक मारे गए, तो कहना गलत नहीं होगा कि शायद इन्हीं की आत्माओं को यहाँ घूमते देखा गया हो। खैर, आपको लोथियम सेमेट्री के पीछे की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।